गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, एम आई ऑडिबल? गुड आफ्टरनून सर। यस सर। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। सुनाई दे रहा बेटा? यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ ठीक है? चलो तुम स्टार्ट करें। अब कितना इंतजार करें हम? बच्चों को और ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन दोपहर की निद्रा का शायद वो आराम फरमा रहे, लुत्फ उठा रहे हैं, और इसलिए शायद बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे अपने एक अगले लेसन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हमारा लेसन का नाम है क्या? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इस किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लेसन का फ्लैशबैक बैकग्राउंड समझ लेना बहुत जरूरी होता है। द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन माई माइंड कि वाई दिस लेसन इज सो इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड इन आवर दिस सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये हम लोग बचपन से चूंकि ये पढ़ते आ रहे हैं। क्लास सेवेंथ में देखो तो एक बुक ही है एनवायरमेंट, और उसमें शुरू से अंत तक एनवायरमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, जो फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम जा रहे हैं तो वहाँ हम लोगों ने इन सब बातों को पढ़ा है। तो एनवायरमेंट, और फिर क्लास एट में भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर आखिर इस लेवल पर पढ़ने का महत्व क्या है। जब हम जूनियर लेवल पर हम कोई बात पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू, दो दिस पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल एग्जिस्ट क्लास 11th और 12th एंड टिल दिस एजुकेशन सिस्टम इज देयर, अवेयरनेस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट दिस लेवल, वी आर एक्सपेक्टेड मोर आउट ऑफ इट, वी आर एक्सपेक्टेड मोर टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ। तो हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट, जैसा कि आपके ऊपर दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट। तो आखिर ये इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट में क्या संबंध है? और इकोनॉमिक्स हम जानते हैं कि अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की बात करता है, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज आर लेस एंड डिमांड ऑफ रिसोर्सेज आर मोर, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में आपने पढ़ा हुआ है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, जो कि एक पार्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का। तो जब ये इस तरह के जो हमारे सामने जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं घर के अंदर भी होती हैं और इकोनॉमी के अंदर भी हैं इस तरह की समस्याएं, तब वहां पर इकोनॉमिक्स पिक्चर में आता है। तो रिसोर्स के साथ भी यही समस्या है कि रिसोर्स भी अनलिमिटेड नहीं है। आज के दौर में हम देखते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज लॉट ऑफ क्लासेस अमंग पीपल, कम्युनिटीज और नेशंस के बीच में भी हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने को हमको मिलता है कि संघर्ष बढ़ रहे हैं, और ये संघर्ष जो है, स्ट्रगल्स बढ़ने की वजह क्या है कि देयर इज अ स्ट्रगल फॉर रिसोर्सेज एक्चुअली। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू हैव अंडरस्टैंड कि हमको एनवायरमेंट को उस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है, जिसे हमारे यहाँ होता था कि जब हमारे यहाँ पंडित जी पूजा कराते थे तो एक मंत्र उच्चारण करते थे और एक लास्ट में एक वाक्य बोलते थे जो अभी तक मुझे याद आता है, ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति ओम शांति शांति शांति। मतलब कहने का मतलब क्या, और चारों तरफ वो जल छटते थे। मतलब कहने का मतलब है कि एनवायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट हैं, तब तक जब तक वो शांत नहीं होंगे, तब तक वर्ल्ड में, उसको ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, उसमें शांति स्थापित नहीं हो सकती। थोड़ा सा एलिब्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, और जिस रॉ तरीके से लेसन लिखे जाते हैं उस तरीके से आपको आप उससे जुड़ नहीं पाते।
जैसे आप शरीर को देख लो, अगर शरीर को हम एक ब्रह्मांड के रूप में देखें, हमारे लिए शरीर सब कुछ होता है। हाँ, खलु साधनम ऐसे करके एक श्लोक आता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने अपने आप को अपने शरीर को ध्यान रखना। तो अगर हम केवल अपने शरीर को ही ध्यान लगे, हमारा ये सब कुछ शरीर ही है, तो शरीर का एक भी अंग अगर आंखों में कुछ ट्रबल हो जाए तब भी हम परेशान होते हैं। थोड़ा सा एक में कुछ हम लोग भोजन करते हैं, टेक द ब्रेकफास्ट और लंच, और दांतों के अंदर कुछ फंस जाता है तो देखो जीभ कितनी परेशान होती है, जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक परेशान रहती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हमारे शरीर में एक छोटा सा मतलब आउटसाइड एलिमेंट आ जाता है, चाहे उसको जिस रूप में एलिमेंट को देखो, कोई पेन हो जाता है, कोई दर्द हो जाता है, तो पूरा शरीर परेशान होता है पूरे। तो ये जो ये हमारा यूनिवर्स है, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंतर भी है कि अगर हमारे किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूरे कहीं ना कहीं पूरे स्टेट में डिस्टर्बेंस होता है। तो किसी स्टेट में प्रॉब्लम है तो पूरे नेशन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। जैसे आर्टिकल 370 मान लो हम मानते हैं, अब जम्मू कश्मीर की तरफ सारे रिसोर्स जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, चाइना इन्वॉल्व हो जाता है, तो पूरा कंट्रीज में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्कशन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, हर जगह डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जैसे डोकलाम में जो हुआ, चाहे अरुणाचल प्रदेश में जो हो रहा है, जो जहां कहीं भी हो रहा है, चाहे पाकिस्तान से रिलेटेड बॉर्डर हो, एनी वेयर आई एम जस्ट टॉकिंग कि अगर कहीं किसी स्टेट में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड की इसके लिए खतरनाक, और दैट्स वाई वी आर मोर कंसर्न अबाउट एनवायरमेंट। तो ये मेरा एक जो सब्जेक्ट के प्रति मेरा जो ज्ञान है, जो हम सब को जो जिस तरीके से मैं लेता हूँ उस तरीके से ये इंट्रोडक्शन मुझे लगा। अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन टाइम परमिट नहीं कर रहा उतना एलोबोरेट करने का। तो अब हम आते हैं आपके फ्लैट टॉपिक के ऊपर कि एनवायरमेंट। तो सबसे पहली बात, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनवायरमेंट। तो आई जस्ट स्टिल रिकॉल द क्लास 7th एनवायरमेंट डेफिनेशन, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन। एनवायरमेंट इज आवर सराउंडिंग सिस्टम, एनवायरमेंट इज आवर सराउंडिंग सिस्टम। तो व्हेन वी आर इन द क्लासरूम, व्हेन वी आर आउटसाइड द क्लासरूम दैट इज फील्ड, व्हेन वी आर नियर द सी बीचेस, व्हेन वी आर कार्तिक के घर हिमाचल प्रदेश और अर्जुन राजीव केरला, हम कहीं भी जाए, and whatever things are surrounding that a part of our environment. तो अगर हम इसको टोटलिटी में देखें तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो कि हमको सराउंड करते हैं, जो भी आप सराउंड करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, the things which are surrounding us, they are very type of things are surrounding actually. It is जिसको हम आजकल कहते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और नॉन लिविंग, फ्लोरा फौना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फ्लोरा एंड फौना, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, जिसको हम बायोटिक एक दूसरे शब्दों में कहें तो बायोटिक रिसोर्सेज कह सकते हैं, और ए बायोटिक रिसोर्सेज जिसमें फॉरेस्ट है, फिशरीज जो है, एयर, वाटर, सन, लैंड, ये सब जो है फॉरेस्ट तो बायोटिक आएगा, तो फिशीज वगैरह सब बायोटिक में आएंगे, लेकिन ये जो लैंड है, माउंटेन है, ये जान नहीं है। हालांकि इसमें भी ग्रोथ होता है लेकिन हम उस ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाया जाता है, फ्लोरा एंड प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ में जो दिखाया जाता है उस रूप में नहीं दिखाया जाता है। तो हम जो हमारा इन्वायरमेंट जो कॉन्सेप्ट है, स्टिल वही कॉन्सेप्ट, क्लास 7th वाला कॉन्सेप्ट हमको बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ बायोटिक means flora and fauna, plant life, animal life, which consist of biotic and abiotic resources, mountains, land, etc. वो हमारा बेसिक ही रहेगा, ठीक है। फिर हम आपके बुक में जो चर्चा की गई है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई है, 1986 में एक एक्ट आया था जिसमें हमको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, और जो इसको हार्म किसी भी रूप में अगर इसको हार्म कोई पहुंचाता है तो उसको पनिशमेंट की बात की है। तो वो भी वो एक्ट भी कहता है कि एनवायरनमेंट जो इंक्लूड्स एवरीथिंग, जैसे जस्ट लाइक फॉर द सेक वाटर, एयर, लैंड, एंड इनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है, उन सारी चीजों को उसने
ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में कि और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलेट करने का प्रयास किया। मतलब हमको उन सारी चीजों को, एक छोटी सी फिश भी है ना तो उसको भी प्रोडक्शन की बात कही जाती है कि अगर वो एक्सटिंक्ट एनिमल हो जाए, एक्सटिंक्ट जो इंसेक्ट्स हैं तो उसके प्रोडक्शन की बात की जाती है, क्योंकि देयर इज अ चेन ऑफ रिएक्शन। कि एक अध्ययन किया गया यूरोपियन कंट्रीज में कि एक छोटे से में कुछ इंसेक्ट्स को हटा दिया गया, मतलब उसको आउट ऑफ दैट वाटर का जो बॉडी था उससे निकाला गया, उसका इम्पैक्ट दूसरे जो फिशेज थी उनको उनके ऊपर डिपेंड थी तो उनको भी इंस्टिंक्ट होने लगी, मरने लगी। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि देयर इज ए इंटरडिपेंडेंस, इन्वायरमेंट में जो कुछ भी है वो सब इंटरडिपेंडेंट है। जैसे एक क्वेश्चन आता था हम लोग के जो पढ़ते थे कि शेर घास नहीं खाता है, लायन डज नॉट ईट ग्रास बट इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ग्रास। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि देयर इज ए इंटरडिपेंडेंस, कि लायन डज नॉट ईट ग्रास बट लायन ईट्स अ गोट और अदर herbivorous animals and those herbivorous animals finally depend on the grass or herbs or the plants. तो उनको तो there is an interdependence, वो element काम करता है यहाँ पर। So environment में अगर कोई भी चीज अगर disturb होती है वो चीज बहुतों की नजर में छोटी होगी, it may be the very small thing but that has a lot of impact on the other higher order of food chains. ठीक है, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन, इंट्रो पार्ट था आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, हम वहां आए नहीं है अभी, तो मेरा अपना इंट्रोडक्शन चल रहा था, बुकिस नहीं चल रहा था। तो इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट को अगर हम देखें तो अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यू नो पीपल वेरी वेल कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट को एंड ग्रोथ से हम इसको इस वर्ड को समझाना चाहते हैं, और हमने बताया भी था इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ bigger term, umbrella term इसको कह सकते हो, which includes quantitative as well as qualitative changes in human life. हम अपने आसपास जो भी quantitative और qualitative changes देते हैं, quantitative changes means that includes the only the change in the इसको example से अगर समझे हम कि अगर मान लो कि production 20 किलो केजी का होता है और दूसरे साल production 50 केजी का होता है, this change is 30 केजी का जो change हुआ, that indicates the quantitative. तो इसी तरह हमारे ह्यूमन लाइफ में भी क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, मींस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वो बढ़ जाता है, दैट इंडिकेट्स द क्वांटिटेटिव चेंज एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। जैसे आपको एग्जांपल के द्वारा लें, दे व्हेन यू आर इन क्लास 6 एंड योर मोड ऑफ बिहेवियर, टॉकिंग, पर्सनैलिटी कुछ और था और क्लास 12 में आया तो कुछ और हुआ, तो दैट इज द क्वालिटी, मतलब आपकी क्वालिटी इंप्रूव हुई, दैट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर क्वालिटी में भी चेंज आता है, क्वांटिटी में भी चेंज आता है, आपका फिजिकल ग्रोथ ही केवल नहीं हो रहा है बल्कि मेंटल एंड मैच्योरिटी लेवल इज ऑल्सो चेंजिंग, दैट इज अ रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, इज वाइटल फॉर एनी कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, बट वॉट इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। लेकिन क्या होगा जब अगर किसी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब ऐसा डेवलपमेंट विच अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, विच अफेक्ट्स अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। हम सड़कें बना दें और आसपास के जितने भी फॉरेस्ट एरिया को डिफॉरेस्टेशन करके बना दें तो क्या होगा, फॉरेस्ट कवर का हटने का मतलब क्या है कि उसमें एनिमल लाइफ इज अफेक्टिंग, बर्ड्स लाइफ इज अफेक्टिंग, ह्यूमन लाइफ इज अफेक्टिंग, और environment का जो assimilating capacity है, environment has the capacity to rejuvenate itself, अपने आप को सफाई करने का जो इसको जो cleanliness का जो इसका तरीका है वो उसको उसको effect होता है। तो that is the environmental degradation नहीं होना चाहिए, that is development is not good. With the globalization, you know very well this word globalization, with globalization opening the doors of economic development, जो FDI आ रहा है फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है, फॉर सो मेनी कंट्रीज देयर इज अ सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग हाउ फार वी आर बीइंग एबल टू सेव द एनवायरनमेंट एंड नॉट हैम्पर इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब एनवायरनमेंट आज देखो डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोडक्शन हैज बिकम द कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। ये लगता है कहीं ना कहीं कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इट इज एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, बट नाउ अडेज
अगर देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली द कंट्री लाइक डेनमार्क, हम बहुत सारे एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोपेनहेगन एग्रीमेंट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, जापान जिसे जितने भी कंट्रीज हैं, एक आइलैंड परचेज किया किरिबाती ने, ग्रीनलैंड का एक हिस्सा उसने परचेज किया जिसको अमेरिका भी चाहता था, ट्रंप भी चाहते थे परचेज करना, तो वो क्यों परचेज किया, क्योंकि उसको लग रहा है कि आगे आने वाले समय जिस तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है एंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस इज दैट कि वो सबमर्ज हो जाएगा पानी में तो हमारी पॉपुलेशन कहाँ जाएगी, तो उन्होंने ग्रीनलैंड का एक हिस्सा उन्होंने परचेज किया, तो डेनमार्क ने इसको अमेरिका को नहीं दिया बट उसने उसको दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो है, इफ आवर टेक्नोलॉजी द वे वी आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एवरी ईयर वी आर एडिंग पॉपुलेशन इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया एंड नोबडी टॉक्स, नो पॉलिटिकल पार्टीज दे टॉक अबाउट, वेरी लेस पॉलिटिकल पार्टीज दे टॉक अबाउट कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पीपल ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स दे टॉक इन अ डिफरेंट वे ऑन द पॉपुलेशन, सो देयर शुड बी द पॉपुलेशन कंट्रोल, अदरवाइज द पीपल विल डाई, द पीपल विल किल ईच अदर बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द रिसोर्सेज, so we have to understand in that perspective also, to understand the impact of economic growth and development on the environment we need to be aware of the concept of sustainable development as an alternative solution. ab ye kya hai iska jo what they are suggesting ki iska koi contradiction nahi ho isliye zaruri hai ki hum isko sustainable development se jode, to what is this sustainable development, ab sustainable development ko agar hum dekhe to एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सच अ डेवलपमेंट विच नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन नीड्स बट आल्सो ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, हम रिसोर्स को ऐसे यूज कर रहे हैं कि हम आज की जनरेशन की केवल के नीड्स को ध्यान में नहीं रख रहे हैं बल्कि हम फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं, उनकी नीड्स को भी हम कैटर करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना एक ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल हम लेकर आ रहे हैं, ग्रीन पॉइंट, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप चीजों को यूज कर रहे हो और चीजों को ऐसी चीजें बनाएं जिससे हम इन्वायरमेंट को भी नुकसान न पहुंचे, मतलब जहां लेबर इंटेंसिव की जरूरत है, टेक्निक की जरूरत है वहां लेबर इंटेंसिव लगाएं, जहां कैपिटल इंटेंसिव की जरूरत है वहां कैपिटल इंटेंसिव लगाएं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक where the labor is in surplus, it is not wise to use it. Okay? So, हम आते हैं आपके अपने जो PPT है वो बनाया उस पर, उसके definition को भी देखते हैं वो क्या कहना चाहता है. Environment meaning and functions. The environment refers to the totality of resources and the total planetary inheritance we have received. Inheritance का मतलब ये होता है कि what we have received from the previous generation. It includes biotic animals, plants, birds, etc. and abiotic sun, land, water, mountains, etc. components. It explains the interrelationship that exists between the biotic and abiotic. Okay? So environmental degradation की हम थोड़ी बात कर लें कि अभी हम चर्चा कर रहे थे environmental degradation क्या होता है. So let us see what is environmental degradation. So economic activities such as production and consumption. Production, creation of utility. Production, what is production? Production is a creation of utility. किसी भी चीज में हम utility अगर create करते हैं तो it is considered as production. So production and consumption have led to the environmental degradation. मुख्य वजह तो यही है, consumption हम उपभोग करने, production करते ही हैं हम consumption करने के लिए, तो consumption और production की जो activities हैं कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से environment में degradation आ रहा है. Over the last few years, this is recognizable from the fact that there is a certain carrying capacity of the environment. बिल्कुल सही बात है, environment की अपनी एक carrying capacity होती है. जैसे आप इसको ऐसे समझो कि हमारे शरीर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का जो लेवल है, हमारे शरीर के अंदर जो है बॉडी की एक अपनी कैपेसिटी है रोग से लड़ने की, हर बॉडी की अपनी कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से ज्यादा होता है कोई भी चीज बॉडी के साथ जाती जब होती है. जैसे मान लो कि हम 2 किलोमीटर हम चल पाते हैं लेकिन किसी दिन किसी कारण से हमको 10 किलोमीटर चलना पड़ा तो क्या होगा, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो हमने चढ़ा वो बॉडी के जो लिम्स हैं, बॉडी का जो बोन्स है वो सब मसल्स वो जवाब देने लगेंगे और उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार के रूप में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. उसी तरह सिमिलरली एनवायरमेंट की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो किस लेवल तक इस डिग्रेडेशन को बर्दाश्त कर पाता है, अगर उस लेवल तक वो होता है तो अपने आप को वो खुद
चेक करता रहता है, वो ठीक करता रहता है. बट व्हेन इट क्रॉसेस दैट देन एनवायरमेंट बीमार हो जाता है, जिससे दिल्ली का एनवायरमेंट बीमार एनवायरमेंट है. व्हेन द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो रिसोर्सेज एक्सीड्स द रेट ऑफ देयर रीजनरेशन. जैसे हम वाटर टेबल का एग्जाम्पल से और आसानी से समझ सकते हैं कि वाटर टेबल क्या होता है. कि देखो पानी हमने, ये बिल्कुल एक गुल्लक की तरह है, कॉइन बॉक्स की तरह है. इसको सोचो, गुल्लक में क्या होता है, कॉइन बॉक्स में हम कॉइन्स डालते हैं और कॉइन्स भर जाता है, फिर हमको जब जरूरत होती है तो तोड़ लेते हैं उसका, ये निकाल लेते हैं पैसा. यही होता है कि हमने पैसा जमा किया, फिर हमने उस जमा पूंजी को निकाला. अब वाटर टेबल के साथ क्या होता है, व्हाट ह्यूमन बीइंग इज डूइंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड दैट्स व्हाई आई अगेन रिकॉल महात्मा गांधी, बापू को याद करता हूं कि नेचर हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड. प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने का प्रकृति के पास कोई इलाज नहीं है. इसलिए लालच नहीं होना चाहिए. गेम खेलो लेकिन पढ़ते समय गेम मत खेलो. लालच करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. अभी आराम करो लेकिन आप क्लास का जो समय है उसमें आप आराम करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल क्लियर, रिजल्ट बिल्कुल खराब होगा. तो ये चीज समझिए, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. तो व्हेन द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स एक्सीड्स द रेट ऑफ रीजनरेशन द एनवायरनमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज. ठीक है, ये चीज बॉडी के साथ भी है, ये चीज एनवायरनमेंट के साथ भी. द रिजल्टिंग फिनोमेना इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. और उसका जो परिणाम होता है, बॉडी का डिग्रेडेशन होता है, बुखार हो जाता है या दूसरी डिफॉर्मिटी जाती है, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड, व्हाटएवर इट इज. उसी तरह एनवायरमेंट में कफ, कोल्ड, इसको हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का नाम देते हैं. अगला हमारा पॉइंट है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयरफॉर, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयरफॉर देयर ओवर यूटिलाइजेशन इज लीडिंग टू देयर एक्सटिंक्शन. ये भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे जब क्लास की बात कर रहे थे, आप जो वर्ल्ड पीस की बात कर रहे थे, उस समय हमने चर्चा की थी. तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयरफॉर देयर ओवर यूटिलाइजेशन इज लीडिंग टू देयर एक्सटिंक्शन. द वेस्ट जनरेटेड इज ऑल्सो एक्सीडिंग द एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट. इसलिए जरूरी है कि हम एनवायरमेंट में जो वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे देखो हम एवरी डे हमारे यहाँ जो वो कूड़ा वाला एक आता है, एक्चुअली वो सफाई वाला है लेकिन पता नहीं लोग कूड़े वाला ही कहते हैं. तो जो सफाई वाला आता है, कूड़े वाले तो हम लोग हैं क्योंकि कूड़ा क्रिएट करते हैं. इसको समझने का प्रयास करना दूसरे लेवल पर. तो जो सफाई वाला जो आता है और कूड़े वाले तो हम लोग हैं, तो वो अगर जितना देखो हर घर से निकलता है और ये कहाँ जाता है, और ये हमारे यहाँ सब कुछ वेस्ट होता है, हिंदुस्तान में सब कुछ वेस्ट होता है. कुछ कंपनियां आ रही हैं जो इस वेस्ट मैनेजमेंट को, इसलिए वो कहती हैं घरों में, हालांकि अवेयरनेस नहीं है, दिल्ली जैसे शहर में अवेयरनेस नहीं, सारी चीजें मिक्स होकर जाती हैं, कूड़े वाले भी एजुकेटेड नहीं है. और जो म्यूनिसिपैलिटी का है, कूड़े वाला आया गाना गाते कलेक्ट करके लेके आता है, उस सब में सेग्रीगेशन नहीं, अलग अलग बॉक्सेज होना चाहिए, अलग अलग चैम्बर होने चाहिए. अलग कुछ जगह मैंने साउथ में देखा इन चीजों पर बड़ा ही उन्होंने ध्यान दिया हुआ है. और ये जब तक नहीं होगा तब तक जो वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसको फिर सेग्रीगेट करना, जहां एक बार मिलाओ फिर उसको हटाओ, उसमें चीज टाइम टेकिंग. तो इसलिए जरूरी है कि हम प्राइमरी स्टेज है जो कि हम लोग जो देते हैं वहीं से सेग्रीगेट करें. अगर फूड के आइटम्स जो हैं, मान लो जो हमने जूस बनाया तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल हो उसको अलग अलग रखें. आपको मालूम होना चाहिए कि ये जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, इनसे भी बायोडीजल और बहुत सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे निकल के आती हैं, बायोगैस के प्लांट इससे रन किया जा सकते हैं. तो ये हमको इस तरह का अवेयरनेस होना चाहिए और इस तरह की चीज़ें हम, तो एजुकेशन का मतलब भी यही होता है. So resources are limited and therefore their overutilization is leading to their extinction. The waste generated is also exceeding the absorptive capacity of the environment. Agar waste zyada hoga to environment ki apni capacity jo hogi wo us pe uska impact padega. Kya impact padega? The rivers and other waterways are getting increasingly polluted due to the excessive dumping of waste into them. This has led to poor water quality for consumption. The rate of use of non-renewable resources has not only depleted their limited reserves but also led to the pollution tendencies. अब इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत ही आसान है. जब बारिश का दिन का समय होता है तो दिल्ली में क्या होता है कि जगह जगह लोग पॉलिथीन वगैरह सब
to just didn't like anything. When rainfall comes, excessive rainfall comes, so हमारे पास surface runoff तो हर जगह concrete, everywhere some concrete is there. So water absorption नहीं होता. वो क्या होता है, this polythene falls into the drainage system and वो वहाँ choke कर देता है. और फिर सड़कों के ऊपर पूरा पानी लबालब दिखाई देता है. और वो फिर घरों में घुसता है, वो dirty water जो है वो है. तो ये क्यों हो रहा है? तो ये हमारा वाटर पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स बन जाता है. और फिर वाटर बॉर्न डिजीज, एंड अगेन मीन्स इट इज जस्ट लाइक बूमरैंग कि आपने गलतियां की और आपकी गलतियां, आप अपनी गलतियों को आपकी जनरेशन या आप उसको बेयर कर रहे हो, उसका लॉस बेयर कर रहे हो. तो इसको हमको समझने की जरूरत है कि हम जो कुछ भी करेंगे वो एनवायरमेंट को अगर हम डैमेज करते हैं तो डैमेज हमारा ही होना है. देयर इज नो अदर पर्सन हु इज गोइंग टू सफर. फिर हमको ये समझने की जरूरत है. The increasing emphasis is therefore on renewable resources, ऐसे resources जिनको हम replenish कर सकते हैं, regenerate कर सकते हैं. इसलिए हमारे पास जो अभी हम पिछला lesson देखा उसमें हमने बात की coal, petroleum, natural gas की हमने बात किया था. और हमने ये चर्चा इस बात पे की थी कि हम अपने जो petroleum है केवल 1/3 means 70% needs तो हम बाहर से इम्पोर्ट करने पर खर्च करते हैं. और इम्पोर्ट करने का इम्पैक्ट क्या होता है कि इम्पोर्ट फॉरेन एक्सचेंज हमारा चला जाता है. फॉरेन एक्सचेंज मतलब जरूरत की जो दूसरी कैपिटल गुड्स को हम परचेज कर सकते थे, डिफेंस गुड्स को परचेज कर सकते थे, वो केवल एंड ओनली इट इज गोइंग ऑन पेट्रोलियम. सो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अस. हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वॉन्ट्स टू शेयर? बोलिए, कुछ कहना है? एनी इशू? चलिए, तो ये हमारा एक कंसर्न है कि हमको एनवायरमेंट को जो ज्यादा से ज्यादा हमको ये कोशिश करनी है कि हम जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वहां से हम शिफ्ट करें और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करें जिससे कि वेस्ट नहीं होता है. और ये हमारे एनवायरनमेंट को केयर करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करते हैं. जैसे आप, और दूसरा इसका एंगल भी है कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. फिर वही बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम रिसोर्स को यूज तो कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं. अगर हमने बिजली को विंड एनर्जी से कर लिया, अगर हमने बिजली को जियोथर्मल एनर्जी से यूज कर लिया, अगर हमने बिजली को किसी और अल्टरनेटिव जिससे सोलर एनर्जी है, इन सब चीज़ों से यूज कर लिया, बना लिया, तो हमारे पास जो कोल का स्टॉक है, हमारे पास जो पेट्रोलियम का स्टॉक है, हमारे पास जो नेचुरल गैस का स्टॉक है, वो स्टॉक हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए यूज हो सकता है. क्योंकि आगे आने वाले समय में पॉपुलेशन तो और बढ़ती जाएगी, थोड़ा थोड़ा भी अगर कितना भी कंट्रोल करेंगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ना ही बढ़ना है. लेकिन हमारे यहाँ कंट्रोल करने का भी तो सिस्टम ही लगता है, लोग नहीं सीख पा रहे. तो ये बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिलीजियस और भी जितने नाम पर क्लासेस हो रहे हैं. वो क्लासेस की मुख्य वजह यही है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है. मैं तो इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही इंटरप्रेट करता हूँ. सो पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवेंट्स मेरी समझ से. और आज चाइना इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स टेरिटरी. उसने जिबूती में, उसने हांगकांग को एक्वायर कर लिया, वो ताइवान को ले रहा है, वो तिब्बत को ऑलरेडी उसने कैप्चर किया हुआ, मंगोलिया पर उसकी आंखें हैं और जापान के कुछ हिस्से पर उसकी आंखें हैं, रशिया के कुछ हिस्से पर आंखें हैं, भारत के हिस्से को उसने कब्जा किया हुआ है 1962 के वॉर से ही. तो ये और बहुत सारे कंट्रीज में, छोटे छोटे कंट्रीज में माल हर जगह उसने अपने को एक्सपेंड किया, रिसोर्स को बढ़ाना चाह रहा है. साउथ चाइना सी पर वो तसल चल रहा है अमेरिका से, ऑलरेडी इंडिया भी है उसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी, उनका क्वाड इन्होंने बनाया है, ये सारे कंट्रीज मिलकर क्वाड बनाया है, क्वाड, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके. तो ये सारा कुछ रिसोर्स ही खेल है. इसलिए आप इसको समझिए कि हमको एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं होने देना. द इंक्रीजिंग इम्पैसेज देयरफॉर ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिवाइजिंग अदर सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन हैव harmed environment as well as man's well-being. Air and water pollution particularly contribute to air and water
बॉर्न डिजीजेस एंड इल हेल्थ, ये वेरी मच क्लियर पॉइंट है. ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग अदर सीवियर प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम सच डिग्रेडेशन. ओजोन लेयर को आप जानते हैं कि दिस इज अ लेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स द अल्ट्रावायलेट रेज, ह्यूमन बीइंग को ये रेज क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं. ओजोन लेयर इसका इंपॉर्टेंस, O3 इसका फॉर्मूला होता है O3. तो ये लेयर जो है हमको अल्ट्रावायलेट रेज, सूरज की रोशनी में जो किरणें हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज जिसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें हिंदी में कहते हैं, तो इनकी इनके प्रभाव से कैंसरस इफेक्ट होता है, बर्न हो जाती है स्किन. और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत इसमें होल हो गया था और जिसकी वजह से वहां पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला. तो ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स दैट प्लेग द ग्लोबल कम्युनिटी एज इट. अब ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है? पूरे वर्ल्ड में जो एनवायरमेंट की क्राइसिस चल रही है और इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज वो चाहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे भारत में देखो तो अभी बहुत सारे बीपीएल फैमिलीज जो हैं वो फ्यूल के लिए, ऊर्जा के जो संसाधन हैं वो अभी भी काऊ डंग केक का यूज करते हैं, लकड़ियों का यूज करते हैं और उस पर खाना बनाया जाता है. और उससे जो से वो उनके बर्निंग से, क्योंकि 100% बर्निंग होता नहीं है तो पीला पीला उसमें फ्लेम जो निकलता है वो उसको करता है कि 100% बर्निंग नहीं है. तो और घर में जो गैस स्टोव होता है उस पर देखो ब्लू फ्लेम होता है, ब्लू फ्लेम का मतलब होता है कि वो 100% बर्निंग हो रही है, तो उसमें वेस्ट क्रिएशन नहीं हो रहा, पॉल्यूशन नहीं हो रहा. तो ये इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो गाँव में जो लकड़ियों का यूज किया जाता है, ड्राई ब्रांचेज ऑफ ट्रीज उसको यूज किया जाता है, या काऊ डंग केक वगैरह वगैरह का जो यूज करते हैं, तो इसमें एनवायरमेंट को बहुत लॉस होता है. लेकिन वी कैनॉट कंपेयर दिस विद डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज में लाइफ स्टाइल इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम. जैसे आप डीओ यूज करते हो या रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, एसी यूज करते हो या और भी दूसरे अप्लायंसेज आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जिससे आप सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसेज निकलती हैं, तो ये जहां तक एनवायरमेंट को डिग्रेड करने का क्वेश्चन है, दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैज अ लॉट ऑफ रोल इन दैट. व्हाइल डेवलपिंग कंट्रीज दे आर डूइंग दैट डैमेज ड्यू टू फॉर देयर सर्वाइवल. तो दोनों में हम कंपेयर नहीं कर सकते. एंड सो देयर वाज ह्यूज फाइट बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, और क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर कोपेनहेगन तक, रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, वहां पर बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए इसी इशू के ऊपर कि एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, एंड वी शुड फिक्स द रोल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज. इंडिया एंड चाइना वर टुगेदर ऑन दिस इशू बिकॉज अमेरिका वॉन्टेड टू फिक्स इट, बट चाइना हैज अ बेटर कंडीशन. चाइना इज ऑल्सो डैमेजिंग एनवायरमेंट लॉट देन इंडिया. तो इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया वर टोटली अगेंस्ट द काइंड ऑफ कर्व दे वॉन्ट टू लिमिट द कार्बन इमिशन कैप. वो चाहते थे लिमिट करना भारत के ऊपर, तो उसको मना किया. और इसलिए भी जरूरी है कि जो हमारे ऊपर ग्लोबल प्रेशर पड़ रहा है कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल कीजिए, इसके लिए जरूरी है कि आपको, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये जरूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करें. हमारा इन्वायरमेंट केवल इंडिया का इन्वायरमेंट, केवल इंडिया का इन्वायरमेंट नहीं, ग्लोबल इन्वायरमेंट की हम बात करें, उसको कैसे प्रोटेक्ट करें और लोगों के नीड्स को भी पूरा करना है. तो हमने उज्ज्वला जैसी स्कीम को लॉन्च किया. इसके पीछे वजह भी यही है कि उज्ज्वला जैसी स्कीम को लॉन्च किया हमने, बहुत सारी और दूसरी स्कीम्स को हमने लॉन्च किया, जिसमें हमारी कोशिश की, जिससे हमारे शहरों में अभी हम जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, तो वी टॉक्ड अबाउट द सप्लाइंग ऑफ गैस पाइपलाइन एंड दीज सरप्लस गैस सिलेंडर्स कैन रीच द रूरल एरियाज जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो ये हमको करना पड़ेगा. तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, द हीटिंग ऑफ द अर्थ इज इट्स एनवायरमेंट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सीजन का पैटर्न डैमेज होगा सॉरी, और ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा? वाटर लेवल ऊपर होगा. वाटर लेवल ऊपर होने का मतलब जापान, अपना लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और वैसे बहुत सारे साउथ अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के जो आइलैंड है वो सब गायब हो जाएंगे. सो ग्लोबल वार्मिंग के एक दूसरे इम्पैक्ट दिखाई देते हैं. तो इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द लोअर एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ. द मेन कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज रिकोगनाइज टू बी द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को
एक्चुअली हमारा एटमॉस्फेयर जो क्लास सिक्स आपने पढ़ा, एटमॉस्फेयर इज जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ सरफेस, अर्थ के चारों तरफ हवा का एक ब्लैंकेट की तरह होता है। अब वो क्या होता है कि जब इंसुलेशन होता है, सोलर इंसुलेशन होता है, सूर्य से जो किरणें आती हैं तो लॉन्ग वेवलेंथ की जो किरणें आती हैं उसको अलाउ नहीं करता है ब्लैंकेट। जैसे हमने ब्लैंकेट जाड़े के दिनों में जब हम ब्लैंकेट अपने शरीर पर डालते हैं तो ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट वो गर्मी देता है, बल्कि गर्मी हमारे शरीर के अंदर ही होती है एंड दैट हीट इज नॉट अलाउड बाय द ब्लैंकेट टू गो आउटसाइड। और वो क्या होता है कि हमको अंदर से स्वेटिंग हो जाती है और गर्मी हमको नहीं लगती है तो हमको अच्छा लगता है। तो इसी तरह ये जो एटमॉस्फेयर है ऑल्सो वर्क्स लाइक अ ब्लैंकेट विच डज नॉट अलाउ द वार्म हीट वेव्स टू गो आउटसाइड एंड दैट्स मेक्स द ओवरऑल एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ वेरी हॉट। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लेशियर्स है जो भी वो मेल्ट होने लगते हैं, पौधों के ऊपर जीवन के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो दीज गैसेस कैन अब्सॉर्ब हीट एंड दस कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। अदर कॉजेज आर डिफॉरेस्टेशन, पौधों को काटना, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पराली जैसे चीजें हैं उसको भी हम ध्यान रखना पड़ेगा लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइसेस, जस्ट लाइक जस्ट नाउ वी हैव टच दिस पॉइंट, हैज लेड टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड एन एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। ओजोन लेयर डिप्लीशन, अब देख लीजिए ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ओजोन लेयर और डिटेल्स में हम देखते हैं। इट इज द फिनोमिनन ऑफ डिप्लीशन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन। ओजोन की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो ज्यादा नहीं होती लेकिन जितनी भी है वो जरूरी होती है। ठीक है, जैसे हम दाल में नमक खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते लेकिन जितना भी खाते हैं महत्वपूर्ण होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा तब भी मम्मी को सुनना पड़ता है और कम हो जाए तभी मम्मी को सुनना पड़ता है पापा के द्वारा, आपको तो बोलने की हिम्मत नहीं होगी। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे हिम्मत करने लगते हैं वो अलग बात है। इट इज द फिनोमिनन ऑफ डिप्लीशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। हमारी अर्थ के एटमोसफेयर की बहुत सारी लेयर्स होती है, पांच लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सब। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर उसकी बात हम कर रहे हैं, इट इज द फिनोमिनन ऑफ डिप्लीशन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि वो उसी लेयर में पाया जाता है। द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज थ्रू द रिलीज ऑफ substances called chlorofluorocarbons CFC, अभी जो हमने चर्चा किया था, into the atmosphere. These are compounds include chlorine, bromine, compounds that are used as a cooling substances in air conditioners, refrigerators. और ये air conditioners है, refrigerators है, ये सारी चीजें कौन यूज करता है? These are mostly used by the developed countries people, citizens of the developed countries. आज भी बहुत सारे घरों में जहां हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बिजली ही नहीं मिल पाती है, पानी की बेसिक सुविधा नहीं है, वहां रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की बात तो भूल ही जाना है। सो आवर कंट्रीब्यूशन टू द इन डैमेज ऑफ द एनवायरनमेंट इज वेरी लेस। ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू बी बीइंग अवेयर सिटीजन। और हम लोग अपने संस्कृति कहती है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया। ठीक है, अनुभद्रा करतु इंदु विशुत, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। तो हम हर अच्छी चीज मान करते हैं। ये अलग बात है कि हम फॉर द ईयर्स हम गुलामी में रहे अंग्रेजों की या बाहर से जितने भी लोग अटैक किए उसकी वजह से हमने अपने अपना ज्ञान को हम यूज नहीं कर पाए। आजकल मैं इसी चीज को बहुत पढ़ रहा हूँ, कभी कभी आपको अगर बोलेंगे तो मैं कुछ भेजूंगा भी आपको। खैर, आप लोग बिजी हो, आप लोग क्लास ही अटेंड नहीं कर पाते हो तो इन सब चीजों के लिए आपके पास समय कहाँ है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन इंप्लाइज दैट द अर्थ गेट्स मोर एंड मोर एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, अभी हमने जिसकी चर्चा किया था। दीज रेज आर एक्सेसिवली हार्मफुल ह्यूमन हेल्थ एंड आर नोन टू कॉज स्किन कैंसर टू ह्यूमन बीइंग्स। दे ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सबको प्रभावित करती हैं। चलिए, तो मेजर्स टू सेव एनवायरमेंट, अभी सबसे बड़ी चीज है कि आपने इतना सब कुछ किया लेकिन आपको सेव करने के लिए क्या मेजर्स लेने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि हाँ या नहीं आओगे क्लास में तो क्या करोगे, क्या कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मेजर्स की बात करते हैं ना कि हाँ पेरेंट्स से थोड़ी बातें कर लेते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, भाई बच्चों को क्लास में लेकर आओ भाई, कि बच्चे नहीं आ रहे, इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। लेकिन हार तो मानना नहीं है हमको, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं। तो इसी तरह मेजर्स टू सेव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सेव करने के लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, उन मेजर्स को जानना जरूरी है। Concerted efforts are required. सबका साथ सबका विकास, इसको हम देख सकते हैं। Concerted efforts.
टीम एक टीम एक केवल सचिन और विराट कोहली की सेंचुरी से नहीं जीतती है, टीम जीतती है, बॉलर भी मेहनत करता है, फील्डर भी मेहनत करता है और कैप्टन भी मेहनत करता है, सब लोग तन मन धन सबका साथ होता है तभी टीम का विकास होता है। दूसरी तरफ भारत एक टीम है जिसका विकास तभी होगा जब सबका साथ होगा, मतलब सारे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, सारे सिटीजन्स को सोच, जब ये सोच होगी कि हमारा देश हमारा देश हमारा देश हमारा देश, ये जब फीलिंग आती है तब कंट्री ग्रेट कंट्री की कैटेगरी में खड़ा होता है, तब कोई कंट्री जापान बन जाता है, तब कोई कंट्री अमेरिका बन जाता है, तब कोई कंट्री चाइना जैसा राइज करता है। हालांकि चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम से मैं डिसएग्री करता हूं, बट मेरा कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन बिल्कुल ही सही है कि कंट्री का ग्रोथ, फैमिली का ग्रोथ, इंडिविजुअल का ग्रोथ तभी होता है जब हमारे अंदर के सारे कंपोनेंट, हमारी विचारधारा, सारा कुछ वो एक साथ सोचती है कि नहीं हमको आगे बढ़ना है। एक बच्चा अच्छा तभी करता है कि वो बच्चा क्लास तभी अटेंड करेगा जब कहीं ना कहीं पेरेंट्स की केयरिंग में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, इसलिए केवल 23 बच्चे 21 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये समझ लो कि आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं हो रही है, पेरेंट्स क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि टाइम टेबल क्या है तुम्हारा, वाई द पेरेंट्स नॉट आस्किंग, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जूनियर क्लासेस में जब इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है तो सीनियर क्लासेस में क्यों नहीं होती है स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग बन रही है ये क्वेश्चनिंग। और ये क्वेश्चन बच्चों को ज्यादा अपने आप से पूछना चाहिए कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। चलिए तो मेजर्स टू सेव द एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। द कंसर्टेड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू डील विद द ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देयर बाई कम्स इन टू प्ले। ओके, सम ऑफ द मेजर दैट कैन बी अंडरटेकन टू कंट्रोल द क्राइसिस दैट ऑलरेडी अंडर वे इंक्लूड्स, क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि पॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट है और पॉल्यूशन को कंट्रोल क्यों करना चाहिए। ठीक है, एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल एंड सम ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन प्लेइंग द एनवायरनमेंट टुडे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कैन बी सेट अप और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स मस्ट बी एनफोर्स्ड टू कीप पॉल्यूशन विद इन द लोएस्ट लेवल्स। ओके, हमको जगह जगह हर स्टेट में इसके स्टेट बोर्ड्स हैं जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मोर देन बोर्ड्स व्हाट आई फील द पीपुल्स रोल इज मोर इम्पोर्टेंट। उनका रोल अवेयरनेस तक हो सकता है, थोड़ी बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, एंड स्पेशली फॉर द पुअर सेक्शन दे कैन प्रोवाइड द फैसिलिटीज, बट मोस्टली इट लाइज ऑन द एजुकेटेड मास। इसलिए हम बच्चों को सिलेबस पर डालते हैं कि हम बच्चे अवेयर हो सकें, बच्चे अलर्ट हो सकें, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल सही बात है, द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉरेस्ट बींग कट डाउन is that the ecology is significantly affected. Afforestation measures need to be taken and forest conservation regulations must be seriously implemented. तो ये हमको देखने की जरूरत है कि हम जिस हिसाब से हमने वनों की कटाई की है तो उसको रोकने की जरूरत है, और वो उन एरियाज में स्पेशली जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर उसको ये ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, इरोजन होता है, और उसके जो प्रभाव हैं वहाँ लोकल जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, तो ये सारा कुछ, तो इसलिए हमको फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की जरूरत है। हमारे यहाँ चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन, और हमारे यहाँ तो फॉरेस्ट को भगवान के रूप में, मतलब इन्वायरमेंट को ही हमने भगवान के रूप में जोड़ा हुआ है, तुलसी, पीपल और बहुत सारे प्लांट्स को, जानवरों को हम बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, और ये बहुत जरूरी है, इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग्स टू, बिकॉज हम पूरे इन्वायरमेंट, हम जिसे मैंने शुरू में ही चर्चा किया, अगर शरीर के किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम है तो पूरे शरीर कष्ट होता है, इस तरह पूरे इन्वायरमेंट में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो पूरे इन्वायरमेंट, पूरा यूनिवर्स ही डिस्टर्ब होगा। सोशल अवेयरनेस, आज पूरा वर्ल्ड इस चीज को रियलाइज कर रहा है, जो हमारा जो हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली द एजुकेटेड पीपल। सोशल अवेयरनेस, अंटिल पीपल आर मेड अवेयर ऑफ द ग्रेवनेस ऑफ द सिचुएशन, अवेयरनेस का पार्ट है ये, द प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन नॉट बी डेल्ट विथ। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक लोग समझदार नहीं होंगे, तब तक एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू कैंपेन्स, है ना, किसी भी तरह से कैंपेन हो सकता है, सिग्नेचर कैंपेन हो सकता है, पेपर के द्वारा हो सकता है, मैगजीन, न्यूज, टेक्स्ट बुकलेट्स, कुछ भी किसी भी रूप में होता है, क्लास में भी एक कैंपेन की तरह ही पढ़ाया जाता है। कैंपेन एंड मूवमेंट्स कैन हेल्प अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ ऑनगोइंग एनवायरमेंटल क्राइसिस। वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
solid waste management must be carefully managed in urban areas. Rural waste has the potential of being used as a natural manure. अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं बायोगैस के रूप में यूज किया हो सकता है एग्रीकल्चर वेस्ट का बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द कंपोस्ट. ये खाद के रूप में यहाँ बात की गई है, हम और इससे आगे सोच रहे थे तो कंपोस्ट के रूप में इसको यूज किया सकता है. तो वेस्ट मैनेजमेंट इसमें लॉट ऑफ स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है वेस्ट मैनेजमेंट का. इस पर बहुत सारे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर की भी जरूरत है ताकि रिसर्च किया जा सके कि कैसे इसको अलग तरह के वेस्ट को हम कैसे यूज कर सके. वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैन हेल्प विद द लॉन्ग टर्म पोटेंट प्रॉब्लम ऑफ द स्कैसिटी ऑफ वाटर. चेन्नई में अब म्यूनिसिपैलिटी ने क्या किया है कि वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिटीज में बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया है और हर घर में लगभग करने का उनका टारगेट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट लगाने का टारगेट. नई बिल्डिंग जहां भी होगी वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना ही होना है. साउथ में इस पर ऑलरेडी काम हो चुका है, बहुत काम हो रहा है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी प्रोग्राम्स, इनएक्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट सेंट्रिक एक्ट्स एंड पॉलिसीज इज नॉट एनफ. केवल वही काम नहीं है कि हमने कुछ पॉलिसी बना दिया. Their effective implementation and careful observation are what will actually make a difference to environmental conservation efforts. इसलिए उसका implementation, कोई भी नियम बना देना काफी नहीं होता है, उस नियम का implementation बहुत जरूरी होता है. Relevant. तो ये था measures to save the environment और ये final हमारा है sustainable development. तो sustainable development meaning and features ये हम already पढ़ा चुके हैं, but still some key points हैं. The idea of environmental conservation gains a real momentum if we are able to conserve resources and use them in a manner that they are sufficiently available for the coming generation as well. इसी को हमने कहा कि needs of the present generation, not only the needs of the present generation is fulfilled, but the needs of the future generation is also taken care of. That is a sustainable development. उसी को अलग तरीके से उन्होंने लिखने का प्रयास किया है. तो the United Nations Conference on Environment and Development defines this using the concept of sustainable development. It explains sustainable development as a process that provides for the present generation, underlying this point, without compromising on the needs of the future generations. Sustainable development has gained momentum as a large movement over the years. We now associate it with the improving living standards, poverty elevations, nutritional improvements, minimizing social and cultural instability and resource depletion. The Brundtland Commission lays emphasis on the idea of passing on the environment with enough and good quality resources to the future generation, just as we have bequeathed from our previous generations. जैसे हमने पिछले generation से हमने चीजों को लिया है, हम इसको ऐसे सोचो कि अगर महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद की को वर्शिप करते याद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया. अगर मान लो कि आप सारा कोल खत्म कर दो, सारा पेट्रोलियम खत्म कर दो, सारा एनवायरमेंट डैमेज कर दो, कि आगे आने वाली जनरेशन को अपने स्कूल भी जाए तो अपने स्कूल में बैग के साथ साथ एक एक का ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़े, तो आपको रिस्पेक्ट देगी क्या? कि ये हमारे ग्रैंडफादर कैसे थे, दे आर नॉट गुड पीपल, दे हैव यूज्ड ऑल द रिसोर्सेज and they have not left anything for us. So that is the point. इसलिए हमको आगे आने वाली जनरेशन, आप हमारी जनरेशन को सम्मान तभी मिलेगा जब हम पिछली जनरेशन की तरह रिसोर्सेज को छोड़ें अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए. तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. और इसलिए जरूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करें ज्यादा से ज्यादा. तो द फीचर्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड वाइड, rational use of a resource, rational use, underline the word rational use, pollution checks, population control and relative dependence on renewable sources of energy to meet the future generations needs. तो ये हमारा sustainable development का concept था और ये हम final हमने लिखा है आपके लिए. The plant must shift to the renewable resources, the planet must shift to the renewable resources of energy as compared to the regular thermal or hydropower plants that lead to the climatic degradation. Solar energy is an effective alternative that we can harness using the photovoltaic cells. It is less costly and environmentally friendly. A shift to the wind energy is also an option. Setting up wind mills, अभी CEO के साथ बात हो रही थी
तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर जिसकी चर्चा शायद मैंने मॉर्निंग में किया था, चलो उसको हम स्किप करते हैं. अ शिफ्ट टू द विंड एनर्जी इज ऑल्सो एन ऑप्शन. सेटिंग ऑफ विंड मिल्स एरियाज विद अ हाई स्पीड विंड कैन हेल्प कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द इलेक्ट्रिसिटी फॉर कमर्शियल और हाउसहोल्ड यूजेज. अनदर इफेक्टिव सॉल्यूशंस कैन कम थ्रू द यूज ऑफ नेचुरल मैनर और बायो कंपोस्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स. दिस हेल्प्स अवॉइड सॉइल इरोजन एंड सॉइल पॉल्यूशन. सब्सिडाइज्ड एलपीजी एज ए फ्यूल इन रूरल एरियाज एंड सीएनजी एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल्स इन अर्बन एरियाज कुड लीड टू द वे फॉरवर्ड. और यहाँ पर मैं यहाँ कहना चाहूंगा विंड एनर्जी के रूप में साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ बहुत कम हुआ. वहाँ जगह जगह विंड मिल हम तमिलनाडु में हमने देखा और आंध्र प्रदेश में देखा, स्पेशली तमिलनाडु और केरला में मैंने देखा कि विंड मिल्स बहुत ज्यादा विंड मिल्स वहाँ लगाए गए हैं और जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और उससे भी वर्क से वो लिए जाते हैं, आटा चक्की वगैरह जो है फ्लोर मिल्स वगैरह का बनना. तो ये बहुत सारा काम वहाँ हुआ है. ये इस तरह का कोस्टल एरिया में चूंकि लैंड ब्रिज और एयर का प्रेशर अलग अलग होता है इसलिए वहाँ बहुत सक्सेसफुल होता है. इस तरह महाराष्ट्र में जो हिली एरियाज हैं वहाँ भी बहुत सारा काम किया गया विंड मिल के ऊपर, पर भी इसको एक्सपोज करने की जरूरत है, खासकर यूपी बिहार दिल्ली वगैरह में जहाँ पर सोलर पैनल्स का बहुत सारा यूज हो सकता है. तो उस पर गवर्नमेंट को और लोगों को फोकस करने की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर को बहुत आगे आने की जरूरत है. द रेस्ट ऑफ द चेंज कैन कम मेजरली थ्रू इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस ओनली व्हेन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको इंडियंस भूल रहे हैं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी पर्सन इज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फोर्थ कमिंग जनरेशन इज रियलाइज्ड कैन बी पास ऑन हेल्दी एनवायरमेंट टू देम. ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स व्हिच वाज रिलेटेड विद दैट. तो ये आपके लिए थोड़ा सा क्विज टाइम क्वेश्चन है. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बता दीजिए, इसी से हम इस क्लास को एंड करेंगे. ये लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, आप क्लासिफाई कर दीजिए. जस्ट क्लासिफाई दिस कि इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से. आर्यन, आर्यन, आर्यन बहुत आप क्लास अटेंड नहीं करते बेटा, दिस इज वेरी पैथेटिक कंडीशन. बताइए, इसको क्लासिफाई कर दीजिए आप लोग जरा, इसके बाद क्लास अमेंड कर देते हैं आपका और ये लेसमेंट हो जाएगा. ट्रीज कौन सा है, ये रिन्यूएबल कि नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल. अच्छा, फिश? रिन्यूएबल, पेट्रोलियम नहीं है. क्लासिफाई करो भाई, बोलते जाओ. सर पेट्रोलियम और आयरन ओर एंड कोल नॉन रिन्यूएबल में और सारे रिन्यूएबल है. चलो, तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर और इससे पहले भी जितने मैंने नोट्स दिया है वो सारे नोट्स को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा. जहाँ एक चीज है, मैंने जो नोट्स पे भेजा है, मटेरियल जो भेजा है उसमें सब में पता नहीं क्यों बजट एमसीक्यू आ रहा, बजट एमसीक्यू आ रहा. हर्षा ने इस बात को कहा भी था, बताया भी था, इसलिए मैंने एक स्ट्रीम में मैसेज डाल दिया था, कॉमन मैसेज डाल दिया था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे मोबाइल की वजह से ही हो रहा होगा. तो आप उसको बजट एमसीक्यू मत समझिएगा, वो उसमें अलग अलग सब टॉपिक पर मटेरियल होंगे तो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. चलिए, थैंक यू. और जो लोग नहीं आए हैं उनको मोटिवेट कीजिए कि अगला भी सेशन जो होगा वो एक लेसन खत्म करेंगे, क्योंकि कल का जो सेशन है वो भी काफ़ी लंबा सेशन होगा.